आप यहाँ 1.5-2 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो, जहाँ का माहौल अच्छा है उसको एकदम बेकार पड़े हुए रहने दे रहे हैं, तो वहाँ 8B को बंद कीजिए ना। रचा जा रहा है कि उसको रजिस्ट्रेशन 8B से करवाया जाए। देखिए 8B क्या है ना, आप कैमरा उधर करिए, स्थिति है ये, इसको स्थिति है यहाँ पे। हमारा ग्रामीण मतलब करने के लिए हम लोग बचे रहेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे बाहर वाले, यही षड्यंत्र है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीता कुमारी है। आप क्या करते हैं अभी? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। आप इस वक्त इस 8B स्कूल में क्या करने आए हैं? मैं 8B स्कूल इसलिए आई हुई हूँ क्योंकि यहाँ जो 11D का जो रजिस्ट्रेशन है, ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उसको रजिस्ट्रेशन 8B से करवाया जाए, ताकि 8B से एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर ऊपर से जब देखा जाएगा कि 9 और 10 क्लास के बच्चे तो 11D में है ही नहीं, तो ऑलरेडी उस स्कूल को बंद मान लिया जाएगा कि जब बच्चे हैं ही नहीं, रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, तो फिर स्कूल कैसे चलेगा? आपके घर से 11D स्कूल की दूरी कितनी है? 5 से 6 किलोमीटर। और अगर हम 8B स्कूल को देखें? 8 से 10 किलोमीटर। और आप स्कूल कैसे आया जाया करते हैं? स्कूल कभी पैदल, हो सके घर में अगर साइकिल अवेलेबल हो तो साइकिल से। हम लोग के यहाँ हम लोग उतने ये नहीं है कि हम लोग गाड़ी और बस पे ये खर्चा कर पाए, नहीं। अगर उतने ही हाई फाई घर के होते तो हम क्यों पढ़ते यहाँ BSL में, क्यों नहीं DAB DPS चिनमाया में पढ़ते? अगर 11D स्कूल बंद होता है तो आप लोगों पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? हम लोगों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग लड़की हैं और आप लोग तो जानते ही हैं कि लड़की पे एक दाग लग जाए तो समाज उसको जीने नहीं देगा। और यहाँ आप आसपास का माहौल देख सकते हैं, इतना खराब माहौल है। मान लीजिए अगर 2-4 फ्रेंड साथ में आते हैं, किसी दिन कोई फ्रेंड नहीं आई, अगर हम अकेले आए, कोई लड़का छेड़खानी करे, कुछ करे, अगर रिपोर्ट मेरे घर तक जाएगा, मेरे माँ बाप तो निकाल देंगे घर से कि नहीं तुम बदनाम होके आई है, फिर उसका जिम्मा कौन लेगा? आप प्रबंधन को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई अगर आपको स्कूल बंद ही करना है तो 8B को कीजिए ना, यहाँ का माहौल इतना खराब है, फिर भी आप यहाँ 1.5-2 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो, जहाँ का माहौल अच्छा है उसको एकदम बेकार पड़े हुए रहने दे रहे हैं, तो वहाँ 8B को बंद कीजिए ना कि 11D को। देखते प्रशासन की सब नाकामी है, हमारे बच्चों को शोषण कर रही है, हमारे बच्चों को, बाल बच्चे को, हमारे विस्थापित बच्चियों को, और आर्थिक दोहन भी होगा, सामाजिक बहिष्कार भी होगा हमारे बच्चों के ऊपर, लड़का हो चाहे लड़की हो। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसका ये गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। वहाँ जब ऑलरेडी स्कूल है, 11D का स्कूल है, 3 स्कूल थे जो हम राजकुमार जी बताएं, उसमें से एक ही स्कूल बचा हुआ है, वो भी माहौल ठीक है वहाँ पर स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है। ये शासन नाइंसाफी है BSL का, और हर स्कूल को तोड़ के खटारा बना दिया है। 44 स्कूल थे BSL में, हर सेक्टर में 3-4 स्कूल थे, हाई स्कूल से मिडिल स्कूल से लेकर ये CBSE स्कूल तक, सेकेंडरी सीनियर स्कूल, सबको बंद कर दिया जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? हमारे बच्चे क्या नहीं पढ़े क्या? इसीलिए ज़मीन दिए थे हमारे पूर्वजों लोग? 4 पंचायत के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं 11D में, कालापत्थर, नावाडी, कूपन की, भोतुआ और रानी पोखर पंचायत, 4-5 पंचायत के बच्चे। उसके बाद अगल बगल झुंगी झोपड़ी जो हमारे रहते हैं, तो क्या उन लोग को शिक्षा से बहिष्कार कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए? CBSE का इंग्लिश मीडियम का स्कूल 11 का एक ही है, बाकी सब पब्लिक स्कूल है। और सरकार हमको लगता है शोषण हो रहा है, BSL चाहती है कि सबको पब्लिक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए, सबको यहाँ का बच्चे को पढ़े ना, ताकि आवाज़ ना उठा पाए, बुलंद ना कर पाए, जिससे हमारा कैसे बताए कि यहाँ का खटाला बना दिया जाए, लोगों को मूर्ख ही मूर्ख समझे। प्रबंधन के कान तक अगर आपका ये संदेश नहीं पहुँचता है, आपका ये मैसेज नहीं पहुँचता है, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? इससे पहले हम लोग 9 तारीख को एक कार्यक्रम किए थे, उसमें से वहाँ 11D में, वहाँ भी बहुत सारे हमारे बच्चिया लोग थी, आंदोलन की थी, आवाज़ को बुलंद किया है, पता नहीं उनके शासन ने कानों में आवाज़ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, नहीं जानते हैं। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो हम लोग नगर सेवा भवन हुआ या BSL का गेट हुआ, हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे 4-5 पंचायत के मिलकर, हमारे सब जितने भी हमारे नौजवान साथी लोग हैं, हमारे नेतृत्वकर्ता माना जाए तो जयराम महतो जी, हमारे मुखिया जी हैं, हमारे पंचायत के सभी पंचायत के मुखिया लोग को लेंगे, समिति को लेंगे, जिला परिषद को लेंगे, वो हल्ला बोल कार्यक्रम को करेंगे। इस स्कूल को बचाना है, शिक्षा का अधिकार को बचाना है, बहुत बोकारों को बचाना है। स्कूल वहाँ पे 11D और C में क्लोज कर दिया गया है, एक हॉस्पिटल था उसको भी क्लोज कर दिया गया है, अब लौता एक स्कूल बचा हुआ 11D। और हम अगर चर्चा ही करना है और कंपेरिजन ही करना है तो आप 11D का इतिहास खंगोलिए और उसके बाद 8B का खंगोलिए, ठीक है? सबसे ज्यादा अवार्ड और चैंपियन 11D रहा, आप उनको कैसे क्लोज कर रहे जी? अगर आपको रजिस्ट्रेशन ही करवाना तो 11D में करवाइए, आप 8B को कर दीजिए। हम लोग प्रोटेक्शन का जिम्मा लेता है, राजकिशोर मतलब प्रोटेक्शन का जिम्मा लेगा टोटल चीज। आप ये चीज हो रहा है कि जैसे ग्रामीण का जो भी सुविधा दिया गया था उसको हटा के आप खटाल वालों के लिए बसाया जा रहा है। देख लीजिए बगल में, देखा देखिए 8B क्या है ना, आप कैमरा उधर करिए, स्थिति है ये, इसको स्थिति है
यहाँ पे हमारा ग्रामीण मचरने के लिए हम लोग बचे रहेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे बाहर वाले, यही षड्यंत्र हमारे हमारे बीच के। देखिए काकी लोग, जेठी लोग, मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच साहिबा सब आए हुए हैं और ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है और इसको हम लोग हाईकमान तक लेके जाएंगे। अगर इस चीज को बंदी नहीं कराया गया तो बीएसएल का कोई भी स्कूल चलने नहीं देंगे, चाहे एडबी हो, नाइनसी हो, जो भी हो। प्रबंधन से क्या संदेश? प्रबंधन से आपसे यही संदेश है, अगर टीचर कमी है तो टीचर का बहाली करिए और कॉन्ट्रेक्चुअल में जिस तरह प्लान चलता है उस तरह स्कूल चलाइए। बाकी और बेरोजगार तो देख ही रहे कैसा है, और आप पैसा कमी है खत्म हो गया इसका हम लोग के सामने मत बोलिएगा। हम लोग का नौकरी छीने हैं आप, एशिया में टॉप टू में आते हैं, प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर में आते हैं, आप हम लोग को बेवकूफ समझे क्या, चरा रहे हैं क्या, पैसा का कमी रहेगा आप लोग का? हम लोग का हक मारे हैं दिल से, माँ को जो मानते थे जमीन को, वो जमीन लिया। आज देख लीजिए 1900 गांव उसको आपका ग्रीन लैंड घोषित किया गया। ग्रीन लैंड का मतलब होता है वहां पे इंसान नहीं रहते हैं, वहां भेड़ बकरियां रहती है क्या? वहां पे 1.5 लाख इंसान हम दिखा देंगे, वो लोग क्या नामो निशान खत्म हो गया है। अगर 11D का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा कि 11D में कोई स्कूल भी था। हम सहायता करने के लिए सोचेंगे बहुत कुछ, अपने बच्चे लोग को 11 से यहाँ 8B नहीं होने देंगे एडमिशन, चाहे मेरे बच्चे लोग गरीब घर के हैं हम लोग, और यहाँ का स्कूल इतना दूरी पड़ रहा है हम लोग को बच्चे लोग को, और इतना दूर नहीं आ पाएगा का यहाँ का जो है खटा, उन लोग को मैंने सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा और हम लोग को गरीब का बच्चा को उन लोग चाहते हैं कि नहीं पढ़े, नहीं आगे बढ़े कि बेटी पढ़ा बेटी बचा, लेकिन वो सब नहीं दे रहा है। गारो वहाँ का स्कूल यहाँ सूचना मिले हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी कारण हम लोग आए हैं यहाँ पर, एकजुट हुए हैं माँ बहन वार्ड लोग जितने भी अधिकारी हैं। यहाँ से हाईकोर्ट भी जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे इसके लिए बहुत सारा आंदोलन करेंगे, लेकिन वहाँ गारों का स्कूल हम लोग यहाँ नहीं आने देंगे। ये तो खटारा है, हम लोग के 11D का स्कूल देखिए वहाँ फेमस है, अच्छा है, टॉपर है। यहाँ का माहौल तो हमको खराब लगता है, हमारा जो 11D का स्कूल है इसका माहौल बहुत ही अच्छा है, पहले भी था और अभी भी बहुत अच्छा है। हम सुनने में आया हुआ है कि यहाँ का यहाँ बच्चे लोग आते हैं, बच्चे लोग पढ़ने के लिए छेड़खानी होती है रास्ता में, हमको सुनने में जहाँ तक आया है।